आर गोइंग टू स्टार्ट द वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. और ये जो टॉपिक होगा यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल के, मतलब आपको एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आपको कैसे ट्रिगोनोमेट्री फाइंड करते हैं, अलग अलग एक्यूट एंगल जो हो तो उसके रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे. सपोज वी टेक वन ऑफ द ट्राइंगल हियर. ओके, सपोज वी टेक वन ऑफ द ट्राइंगल हियर. सपोज दिस इज द ट्राइंगल. ओके, एंड हियर इज ए एंड हियर इज बी एंड हियर इज सी. सो वी नीड टू फाइंड हियर व्हाट इज द, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, वी नीड टू फाइंड हियर व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड विद व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी. सो वी कैन से ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी, दैट इज द एंगल बी, दैट इज द 90 degree. ओके, सो इफ वी नीड टू फाइंड हियर साइन ए, सो यू कैन ऑब्जर्व हियर साइन ए मीन्स साइड ऑपोजिट टू एंगल. ओके, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. आपको जब भी याद हो, आपको हाइपोटेनस तो फिक्स ही होगा, हाइपोटेनस आपका हमेशा 90 के सामने वाला होता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है आपको. तो आपको ये देखना है ये कौन सा एडजेसेंट साइड होता है और कौन सा आपका अपोजिट साइड है. तो आप यहाँ पे समझें, ये जो एंगल ए के सामने जो होगा, ये सामने वाला साइड इसका क्या होगा, बी सी होगा. सो वी कैन राइट हियर साइन ए इक्वल्स टू बट बी सी बाय साइन ए इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी. ओके, दिस इज द वैल्यू. एंड नेक्स्ट कॉस ए दैट इज द एडजेसेंट साइड. ओके, एंगल अपोजिट टू एडजेसेंट साइड, एंगल साइड अपोजिट टू एडजेसेंट. ओके, सो वी कैन राइट हियर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. ओके, सो हाइपोटेनस दैट इज मीन्स अपोजिट टू 90, और एडजेसेंट मीन्स जस्ट बगल में होता है. ठीक है, आप ए के बगल में या तो ए सी होगा या तो आपका ए बी होगा, दो हो सकता है. ए सी पहले से मेरे पास हाइपोटेनस तो उसको लेना नहीं है, तो हम लोग के पास क्या आ गया, ए बी. सो वी कैन राइट हियर व्हाट, ए बी बाय हाइपोटेनस दैट इज द ए सी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. नेक्स्ट थिंग दैट इज द टेन. ओके, टेन ए, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू टेन ए. सपोज हाइपोटेनस विल बी कैंसिल, सो वी कैन से साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. ओके, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए. सो वी कैन राइट हियर व्हाट, वी कैन राइट हियर साइड अपोजिट मीन्स बी सी बाय ए बी. ओके, बी सी बाय ए बी. सो दिस इज द वैल्यू. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. आपको साइन यहाँ से जैसे साइन के का निकलते हैं, कॉस के का आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए. तो आप उसको निकाल सकते हैं, साइन के लिए आपका कॉसिक होगा, कॉस के लिए सिक होगा, टेन के लिए कॉट होगा, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा आपका. तो आप उसको खुद से करें. अगर आपको हम सी के रिस्पेक्ट में निकालें, ओके, सी के रिस्पेक्ट में निकालें यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नंबर टू जो है साइन सी. ओके, साइन सी के ऊपर निकालें तो क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल वाट हो जाएगा सी. अब सी के सामने वाला क्या हो जाएगा बताओ, ए बी. तो सामने वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं इसका. अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो साइन सी का वैल्यू निकला,
अगर हम लोग कॉस सी निकालें तो कॉस सी का बगल में आप देखिए सी, एडजेसेंट साइड सी के बगल में या तो ए सी होगा या तो बी सी। ए सी तो आपका हाइपोटेनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। सो दिस इज द हियर बी सी बाई ए सी एंड यू कैन राइट टेन सी। टेन सी दैट मीन्स द टेन सी दैट दैट मीन्स द येस दिस इज द तो यू कैन सी सी। सी के सामने क्या होगा आपका ए बी होगा। सी के सामने क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा एंड एडजेसेंट में क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके दिस इज द फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर व्हेन यू नीड टू फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्यूट एंगल्स। ओके यहाँ पे हम लोग बी के सामने हम लोग नहीं निकालेंगे, यहाँ पे बी का एक 90 डिग्री है तो यहाँ पे बी के सामने अगर निकालेंगे तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो वी कैन से दैट आपको यहाँ पे आपको डिफाइन करा चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मीन्स क्या होता है, रेशियो ऑफ टू साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे एक्यूट एंगल ये दोनों ही है तो ये दोनों रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइन करेंगे। ये आपका 90 है तो आप उसमें डेफिनेशन के थ्रू से आप समझ सकते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियर होके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग्स जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सपोज हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा फंक्शन निकालने के ट्रिगोनोमेट्रिक हम लोग को निकालेंगे। यहाँ पे सपोज हियर इज द फिगर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके दिस इज द 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 6 सेंटीमीटर। सो हम लोग को यहाँ पे निकालना है साइन ए के रिस्पेक्ट में सारा एंड कॉस सी के रिस्पेक्ट में। मीन्स फाइंड यू कैन राइट हियर फाइंड ऑल टी एफ और टी आर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड सी। ओके एंगल ए एंड सी हम लोग को ये निकालना है। तो आप समझ लें यहाँ पे आपका ये आपका पी है, दिस इज द पी एंड दिस इज द बी एंड यू नीड टू फाइंड हियर एच। सो एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एच मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर वट एच स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज द 64 प्लस 36 मीन्स एच इक्वल्स टू रूट अंडर 10 दैट इज द 10 सेंटीमीटर। सो हियर इज द 10 सेंटीमीटर। ओके वी नीड टू फाइंड वट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी, दिस इज द वैल्यू, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ए। सो वी कैन राइट हियर वट साइन ए मीन्स वट एंगल अपोजिट टू ए मीन्स यू कैन सी ए बी सी by hypotenuse that means AC. So we can write here BC by AC means what is the value of BC you can observe that is the 8 and AC that is the 10. Okay this is and we should know that the unit of trigonometric ratio is not AC, that's why we can write 8 by 10. Next cosec is just opposite to sine A, that's why we can write AC by BC. So AC by BC means 10 by A. ओके दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट कॉस ए, सो एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए एडजेसेंट साइड। ओके एडजेसेंट साइड मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द एडजेसेंट मीन्स ए बी। ओके हियर इज द ए बी बाय व्हाट ए बी बाय ए सी। सो वी कैन राइट हियर ए बी द वैल्यू ऑफ ए बी इज व्हाट 6 एंड ए सी इज व्हाट ए सी इज 10। ओके so the opposite the reciprocal of cos A equals to sec A, so we can write here AC by AB equals to what equals to 10 by 6. Okay so next thing that is the 10A. 10A means you can understand 10A means opposite side angle opposite to, side opposite to angle A, so means we can write BC by AB. Okay BC by AB the value of BC is what you can understand the value of BC equals to 8 and AB equals to 6 to 8 by 6 or chord A equals to what AB by BC. So we can write here 6 by 8. Okay so this is the value of all the trigonometric functions.
with respect to angle A. So again we need to find here the all the trigonometric ratios with respect to angle C. Okay, so we are going to solve that, put that things. Okay, again we are going to solve that things, means we need to find here sin C cos C like this way. So my second part, trigonometric ratio with respect to angle C. So we can write here sin C, that means what angle opposite, means circle opposite, means we can write here AB by what? AB by AC. Okay, AB by AC. So AB is what? AB is 6 and AC is 10. So this is the value, and the opposite of sine, that is the cosec C, means AC by AB. Okay, so here is 10 by 6. And next thing, that is the cos C means we can write here, cos C means we can write here C, adjacent side means what? BC by what? AC. And here BC is what? BC we can write here 8 by 10. Okay, so this is the value. And cos, that is the next thing, that is the sec C. Sec C means we can write here AC by BC equals to 10 by 8. Okay, so next thing, that is the tan C, that is the tan C means angle opposite to C, means AB by BC. Okay, AB by BC means we can write here 6 by 8, and tan C, that is the cot C means we can write here what? Cot C means we can write here BC by AB. So this is the value 8 by 6. Okay, students, so you should find all the trigonometric ratio with respect to acute angles. Okay, this is the value. So I think you should practice some courses regarding these things. Okay, so that you can learn the formula. आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, आपको formula आपको ये समझ में आ जाए, आप थोड़ा इसको practice कर लें, यहाँ पे ये समझ में आ जाए ये सारी चीज़ों को आपको. तो आप लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका कुछ पार्ट आपको, इसमें कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे, आपका इसका एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन में डाला भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ट्राई टू फाइंड हियर वन ऑफ सम थिंग्स रिगार्डिंग दिस. आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल. ओके, ए बी सी, ये आपका जो है, आपको फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है. आपका क्वेश्चन यही है, फाइंड ऑल TF और TR, ऑल TF विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए विद रिस्पेक्ट एंड एंगल सी, ठीक है. पहला, जब आपके पास जो हो, आपके पास ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए बी इक्वल्स टू आपके पास हो जाए 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाए 169 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो पहला. दूसरा जो है, ए बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, ए बी इक्वल्स टू हो जाए आपका 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू हो जाए आपका 5 सेंटीमीटर. इस केस में आपको निकालना है. नंबर थर्ड में जो है, सबसे पहले अगर दे दें ए सी इक्वल्स टू आपके पास हो जाना चाहिए, ए सी इक्वल्स टू हो जाए आपका, सॉरी यहाँ पे 13 होगा, ओके, यहाँ पे हो जाए कितना 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू हो जाए आपका 7 सेंटीमीटर. तो आपको देखना है. नेक्स्ट आपका थिंग्स है, ए बी इक्वल्स टू हो जाए 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू हो जाए आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इस केस में देखना है. नेक्स्ट आपको एक और है आपका, अगर ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए आपके पास 1 और बी सी इक्वल्स टू भी हो जाए 1, तो उस केस में आपको फाइंड करना है. तो आपको ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करना होगा, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी. इस तरह के क्वेश्चन आप बनाएं आप, ठीक है, ताकि आपके पास जो फॉर्मूला हो, सारा फॉर्मूला आपके पास दिमाग पे आ जाए. ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा इस टॉपिक को. नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन इसका बताते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक का है, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बताते हैं. जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन बताते हैं आपको.
ओके सो दिस इज द क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं इस टॉपिक की है। इस टॉपिक का आपका क्वेश्चन फॉलो इफ 10 इक्वल्स टू यस क्वेश्चन नंबर 2। ओके सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है एबीसी राइट एंगल एट सी, ओके राइट एंगल एट सी इफ 10 इक्वल्स टू, इफ 10 इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर 3, इफ 10 इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू फाइंड करना है कौन सा चीज़ का, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक तो आपके पास ये दिया हुआ है इफ 10 इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला एक होता है आपको हम बताएंगे, जब आपका स्पेशल एंगल आपके बारे में बताएंगे तो उस समय इस चीज़ को क्लियर करेंगे फॉर्मूला। फिलहाल आपको जो आपको फॉर्मूला बताएं उसके थ्रू से आप जाएं तो आपके पास यहाँ देखिए एंगल, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएगा, सी 90 है आपका, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये 90 है। ठीक है अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखिए 10 सपोज सी है, 10 इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या, 10 इक्वल्स टू दिया 1 बाय रूट अंडर 3। ठीक है तो आप 10 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप 10 बताइए, ये वाला एंगल अगर 10 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल ए, सो यहाँ पे हो जाएगा क्या 10 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 10, वी कैन राइट हियर बी सी बाय ए सी इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर 3 एंड वी कैन टेक वन ऑफ द थिंग्स लेट रेशियो क्वांटिटी बी एक्स, सो बी सी इक्वल्स टू वट 1x एंड ए सी इक्वल्स टू वट रूट अंडर 3x। ओके सो वी कैन राइट हियर, वी कैन अप्लाई वन पाइथागोरस थ्योरम, सो वी कैन राइट हियर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके सो द वैल्यू ऑफ ए सी दैट इज द वी कैन राइट हियर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वट द वैल्यू ऑफ ए सी मीन्स 1x रूट अंडर 3x स्क्वायर मीन्स वी कैन राइट हियर 3x स्क्वायर एंड प्लस वट 1x स्क्वायर। ओके सो हियर सो दिस इज द वैल्यू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर एंड द ए बी इक्वल्स टू वी कैन राइट हियर रूट अंडर मीन्स 2x, दिस इज द वैल्यू। नाउ वी कैन राइट हियर प्लस माइनस बट मैग्नीट्यूड कांट भी नेगेटिव, सो वी टुक प्लस 2x। ओके सो यहाँ पे प्लस 2x लिए, माइनस भी हो सकता है इसका रूट में, माइनस हम लोग के पास यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का बात है लाइन तो इसका लेंथ का, इसीलिए यहाँ पे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके दिस इज द वैल्यू, सो प्लीज टेक द वैल्यू, साइन ए मीन्स ए मीन्स एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू ए मीन्स वी कैन राइट हियर बी सी, बी सी बाई वट बी सी बाई हाइपोटेनस मीन्स ए बी इंटू कॉस बी, यू कैन सी कॉस बी मीन्स कॉस बी आपको एडजेसिंग साइड लेना पड़ेगा आपको, उसमें से यू कैन राइट ए बी सी बाई वट ए बी एंड नेक्स्ट थिंग कॉस ए, कॉस ए मीन्स वी कैन राइट हियर ए सी बाई वट ए बी एंड बी साइन बी, साइन बी यू कैन अंडरस्टैंड साइन बी मीन्स ए सी बाई ए बी। ओके सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ थिंग्स दैट इज द बी सी बीच बी बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी मीन्स बी सी स्क्वायर, सो वैल्यू ऑफ बी सी इज 1x मीन्स वी कैन राइट हियर 1x का स्क्वायर। ओके बाई ए बी इंटू ए बी यू कैन राइट 2x मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस
एसी इंटू एसी मीन्स वी कैन राइट हियर एसी मीन्स रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर थ्री मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर एंड हियर इज द फोर एक्स स्क्वायर. सो इफ यू विल टेक द कॉमन सो वी विल यू विल गेट हियर फोर एक्स स्क्वायर बाय फोर एक्स स्क्वायर दैट मीन्स वन. सो दैट इज द आंसर फॉर दिस दिस क्वेश्चन. ओके सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन लाइक दिस वे. सो नेक्स्ट वीडियो वी विल अपलोड सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम फ्रॉम माई साइड. ये आपकी मेरी तरफ से आपका क्लियर हो चुका है. अगर आपको इसमें भी कोई परेशानी हो तो यू कैन राइट इन कॉमेंट सेक्शन. आप कॉमेंट सेक्शन पर लिख दें इस चीज़ को ताकि हम उसको और सीख और वीडियो पर इसको क्लियर कर दें आपको. और नेक्स्ट थिंग दैट इज द अगर आप इसके पीछे पार्ट को नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका वो, तो वहाँ से आप इसके पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं. ओके ओके थैंक यू.